सेल्फी की वजह से हर साल कई जानें चली जाती है, मगर सेल्फी का जुनून है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे जान जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसा ही एक वाक्य भोपाल से हलाली डैम घूमने पहुंचे एक कपल के साथ गुजरा, जहां सेल्फी ही मौत का कारण बन गई। 33 वर्षीय हिमानी मिश्रा अपने परिवार के साथ भोपाल कोलार से विदिशा भोपाल के बीच हलाली डैम घूमने पहुंची। अपने पति के साथ हिमानी ने कई सेल्फियां ली। जब हिमानी अपनी आखिरी सेल्फी ले रही थी, तब ही उसका पैर फिसल गया। तेज रफ्तार से बह रहे झरने में 10 फीट ऊपर से जाकर हिमानी उस झरने में बह गई। पति की आंखों के सामने उसका परिवार उजड़ता रहा और पति खड़ा बेबस देखता रहा। जब इसकी खबर विदिशा के करारिया थाने को लगी, तो विदिशा से हलाली डैम पर फोर्स पहुंचकर रेस्क्यू चलाया गया। 16 घंटे रेस्क्यू चलाने के बाद महिला का शव नदी में मिला। पुलिस जवानों ने महिला के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि झरने में शव 2 किलोमीटर बहकर चला गया था। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रेस्क्यू किया है एक बॉडी को, किस कारण, कहां से किया है सर? ये हलाली डैम में छछरा झरने में एक युवती कल सेल्फी ले रही थी, इस दौरान उसका पैर फिसलने से वो झरने में गिर गई। हमारी टीम कल से ही लगी थी, काफ़ी मेहनत किया था और पूरा प्रयास हमारी टीम द्वारा किया गया था, लेकिन कल हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज सुबह जैसे हमारी टीम फिर से रेस्क्यू कार में जुट गई थी और कड़ी मेहनत के बाद वहाँ पर 2 बजे करीब उसी युवती की बॉडी को ढूंढने में हमारी टीम ने सफलता प्राप्त की। लगभग कितने घंटे लगे सर उसकी बॉडी को खोजने के लिए? करीबन 16 घंटे करीब हो गई थी बॉडी ढूंढने में, समय लगा उसमें। क्रिटिकल रेस्क्यू था, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। फॉल में काफ़ी तेज बहाव और चट्टानों में काई के कारण फिसलन थी, रेस्क्यू टीम को काफ़ी परेशानी आई थी, लेकिन अंततः टीम ने। सर कहाँ के थे वो महिला? यहाँ वो उसका शिनाख्त हुई है, वो हिमानी मिश्रा, डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा, ये कोलार रोड भोपाल के निवासी थे। युवती की उम्र तकरीबन 23। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।